हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते बड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे। सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओके की सीना चीर कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए, हम ये देखना चाहते हैं। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए। कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर जोर से मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, अक्साई चीन कब आएगा, पीओके कब आएगा, परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूँ पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दे दो। अमित शाह जी ये बात तो सही है कि जम्मू कश्मीर में हम जो भी कहे जितने भी हम बड़ी बड़ी बात करते रहे, सब कुछ साधारण नहीं है। अगर सब कुछ साधारण होते तो सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पे क्यों आने की जरूरत होती। हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते बड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे, लेकिन आज क्या हो रहे हैं, आज पीओके की सीना चीर कर, सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओके की सीना चीर कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, उसका 3000 किलोमीटर की ओर रास्ता बन रहे हैं। आप कहते हैं कि हम पीओके के तरफ से किसी को नुमाइंदे बनाएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है आप कुछ करके तो दिखाओ। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए, हम ये देखना चाहते हैं। सदन के अंदर आपने बड़ी बड़ी बात कहते कि हम सियाचिन को हासिल करके रखेंगे, हम लद्दाख को हासिल करके रखेंगे, सियाचिन हमारे साथ है, लद्दाख को हम हासिल करके रखेंगे। हम आप लद्दाख में क्या किए हैं बताइए, अक्साई चीन को शामिल करेंगे क्योंकि अक्साई चीन पीओके के अंदर है, अक्साई चीन कश्मीर के अंदर है, पीओके कश्मीर की हिस्सा है, आपने कहा था। तो अगर आपने कहा था तो अक्साई चीन आप कब लाओगे, पीओके आप कब लाओगे? तो इसलिए पलवानी छोड़ के जो काम होना चाहिए, महिला जुबान पे पलवानी, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं, ऐसा नहीं किसी को अपमान करने के कोई इरादा नहीं, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते सदस्य हैं। बड़ी बड़ी बात तो कहते हैं, उस पे भी जो पीओके है उस पे भी महिला आरक्षण रखा है, चिंता मत करो। हाँ सर, सर बात तो यह कि पीओके तो हमारे हाथ में नहीं है, तो अमित शाह जी कहे कि कब पीओके हमारे हाथ में आएंगे, बलवान पुरुषा इसलिए पूछ रहा हूँ। ये दोनों सुबह शाम हाँ करके दिखाइए, चुनाव होने की पहले करके दिखाइए। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए, क्योंकि हमारे इस सदन में 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन हुई थी कि पीओके हमारी हाथ में लगना चाहिए। अब चीन वहां से सड़क बना रहे हैं, चीन के खिलाफ एक बात नहीं कहेगी। गृह मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर जोर से मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, अक्साई चीन कब आएगा, पीओके कब आएगा। अब बिल तो वो पारित हो चुका है, वरना मैं जवाब देता दूंगा भी, परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूँ पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दे दो। बिल्कुल तीन युद्ध लड़े हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि हमारी देश में इंदिरा गांधी जैसा आयरन लेडी थी। तीन युद्ध हुई है, इसलिए बचे हुए हैं सब कुछ। इतिहास को विकृत मत किया करो, आप हमारी देश की गृह मंत्री है, सुबह शाम नेहरू जी के खिलाफ इस तरीके की अनवेरिफाइड बात मत करो, इस तरीके की इल्जाम लगाने की बात मत किया करो। आप क्लासिफाइड क्यों करके रखे हैं, बूचर 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 की रिपोर्ट को क्यों नहीं डीक्लासिफाई कर रहे हैं आप बताइए, सारे कुछ क्लासिफाइड नहीं रहना चाहिए। पुराने समय आप सब बातें बोल लिए हो, आप तो इस पे बिल पे बोल रहे हैं। सर बात यह की सर किस समय क्या हुआ था इस विषय पे, सर अगर हमारी तरफ से इतिहास की दृष्टि ऐतिहासिक दृष्टिकोण की तरफ लंबी डिबेट नहीं करते, ऐतिहासिक दृष्टिकोण की छोड़कर अभी
से इल्जाम लगाने, आरोप लगाना, ये हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे कोई प्रधानमंत्री देश की इंटरेस्ट छोड़कर किसी दूसरे को मदद नहीं किए। लेकिन आज इस तरीके की इल्जाम लगा जा रहे हैं कि जैसे कि एक अपराधी थे कोई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं। आप लोगों की इतिहास भी तुरंत देखो आप। सर सर अगर बोलने दीजिए तो सर बोल लेंगे। सर आप सर मैं बोलने दोगे ठीक रहेगा। सर मैं आप लोगों की इतिहास बताना चाहते हैं। अमित शाह जी, अमित शाह जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कह रहे थे उस दिन आपने, आपको याद है 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फजलुल हक, एक हिंदू महासभा की और एक मुस्लिम लीग, दोनों मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी, आपको याद है? इसके पीछे कारण क्या थी? और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक से सत्ता में बनाए थे, सत्ता बनाए थे 1941 में, बिफोर दैट एक साल पहले, जो फजलुल हक वो पुराना कागज विद द मुस्लिम लीग एट मूव। सर नहीं, ये कागज पढ़ चुके हैं पुराने रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेजोल्यूशन फजलुल हक ने तय किए थे 40 साल में, और 41 साल मुल्क के साथ आप सरकार बनाने गए। आगे बढ़े सिंध में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में मुस्लिम लीग के साथ क्यों आपने पाकिस्तान की मदद करते हुए सरकार बनाए थे? चलो जवाब है आपके पास। तो इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं, इधर उधर की बात ना करके सीधे 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 देश की हित की बात कीजिए। और सुबह और शाम आप फिजूल इल्जाम लगाते हुए किसी के अपमान मत किया करो। अगर अपमान करना चाहते हैं तो खुले सदन में सुबह से शाम तक चर्चा करने की जरूरत है।